ललितपुर जनपद से जुड़ा हुआ मामला, जहां पर एलाइट चौराहे स्थित शहर क्षेत्र में मुक्तिधाम में टूटी छत के कारण पानी भर जाने से शवों के अंतिम संस्कार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। नगरपालिका के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि मुक्ति संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा बार बार इस मुक्तिधाम को गोद लेने के अनुरोध नगरपालिका द्वारा किया गया। नगरपालिका के उदासीन रवैये के चलते मुक्तिधाम में कोई व्यापक व्यवस्था तो नहीं की गई। मुक्तिधाम जैसी सत्ता को गोद दिया गया है, इसको लेकर के मुक्ति संस्था के अध्यक्ष अज्जू बाबा, प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बोपोले सप्पू का क्या कहना है सुन लीजिए। बरसात के दिनों में दाह संस्कार के लिए जो टीन शेड बनाए गए हैं वो इतने जर्जर हो चुके हैं कि उनमें से चिता की अग्नि पर पानी गिर रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे किसी का दाह संस्कार संपन्न हो और चारों तरफ पानी गिरा है? मुक्ति संस्था ने दिया क्या हम कह रहे थे जी। अच्छा जी, आज ये इलाइट मुक्ति धाम पर आकर की दयनीय स्थिति देखी, इससे बड़ा दुखी हुई। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को बड़ा महत्व दिया गया है और अंतिम संस्कार का जो ललितपुर नगर का मुख्य स्थल है इलाइट शमशान घाट, यहाँ पर जो टीन सेट है इनकी हालत बहुत दयनीय है। यहाँ पर लगातार पानी गिर रहा है, फर्श खुद चुका है, आने का मार्ग ठीक नहीं है, तमाम अव्यवस्थाएँ हैं, सुरक्षा की यहाँ पर पूरे इंतजाम नहीं है, रात को लाइट की व्यवस्था पूरी ठीक से नहीं होती है। खासकर बारिश में आज जो स्थिति देखने को मिली है, एक पत्रकार साथी के पिता के अंतिम संस्कार के समय लकड़ियाँ कंडे सारे गीले हो चुके हैं, एक घंटे से चिता को जलाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन पानी ऊपर से इतना गिर रहा है कि बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ पहले भी बनी, उस वक्त भी मुक्ति संस्था ने इस शमशान घाट को गोद लेने की बात उस तत्कालीन अध्यक्ष महोदय से की थी, पर जो भी कारण रहे उन्होंने इस शमशान घाट को गोद नहीं लिया। इस समय भी हम मुक्ति संस्था की ओर से सभी से प्रार्थना करते हैं, प्रशासन से, नगर पालिका अध्यक्ष से, कि जल्दी से इस टीन साइड को ठीक कराएं और जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं उनको ठीक कराएं। तो यदि कोई स्थिति ऐसी बनती है कि आप नहीं कराने की स्थिति में, तो मुक्ति संस्था इसको गोद लेकर के समाज के लोगों से कलेक्शन करके उनका सहयोग लेके करवा सकती है और बेटर करके दिखाएंगी कि यहाँ पर लोग आने के बाद में कहें कि हाँ शमशान घाट में व्यवस्थाएँ सुधरी हैं।